हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था अंडर द बनियान ट्री बाय आर के नारायण। तो आर के नारायण की एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी आप कह सकते हैं, इसको मैं पढ़ा रहा था और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा था इसको। अभी तक इसके दो पार्ट आ चुके हैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है और ये तीसरा पार्ट होगा। तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और मैंने एक समरी भी बनाई है, समरी में मैंने कहानी के बारे में बता दिया था पहले से। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखे रहेंगे तो ये रहेगा कि आपको समझ में जल्दी आएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल यानी कि पिछले वाले पार्ट में छोड़ा था, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। ऑन फ्राइडे इवनिंग्स, शुक्रवार की शाम को, फ्राइडे इवनिंग्स शुक्रवार की शाम को, द विलेज गांव टर्न्ड अप उमड़ पड़ता था एट द टेंपल मंदिर की ओर फॉर वर्शिप पूजा के लिए। यानी कि शुक्रवार की शाम को गाँव पूरा का पूरा उमड़ पड़ता था। उमड़ पड़ता था मतलब आ जाता था। कहाँ जाता था? मंदिर। किस लिए? फॉर वर्शिप पूजा करने के लिए। शुक्रवार की शाम को गांव के सारे लोग पूजा करने के लिए मंदिर की ओर चले जाते थे। व्हेन तब नाम्बी लिट, नाम्बी जलाता था, अ स्कोर ऑफ मड लैम्प्स, ढेर सारे दिए, मिट्टी के दिए। मड का मतलब होता है मिट्टी और लैम्प्स का मतलब दिए। ए स्कोर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, तो ढेर सारे मिट्टी के दिए नाम्बी जलाता था, लिट का मतलब जलाना होता है, एंड और अरेंज्ड देम, उनको व्यवस्थित करता था, राउंड द थ्रेशोल्ड, चौखटे पर। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखटा, ऑफ द सेंचुरी, मंदिर के। सेंचुरी का मतलब होता है मंदिर या फिर गर्भगृह। देखिए, इसका मतलब होता है मंदिर या फिर गर्भगृह, इसका मतलब होता है चौखटा। तो नाम्बी मिट्टी के ढेर सारे दिए जलाता था और उन मिट्टी के दियों को कहाँ अरेंज करता था, कहाँ व्यवस्थित करता था? मंदिर के चौखटे पर। ओके, फिर आगे देखिए, ही डेकोरेटेड, वो सजाता था द इमेज, इमेज को, इमेज यानी कि जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी देवी शक्ति की, उसको वो सजाता था विद फ्लावर्स, फूलों से, विच ग्रीव, जो उगे थे वाइल्डली, बहुतायत में। वाइल्डली का मतलब होता है अधिक मात्रा में, यानी जो फूल थे वो बहुतायत में उगे थे, इन द बैकयार्ड ऑफ द टेम्पल, मंदिर के पीछे के आंगन में, यानी कि मंदिर के पीछे, बैकयार्ड का मतलब पीछे का आंगन, यानी कि मंदिर के जो पीछे का भाग था वहाँ पर बहुत सारे फूल उगे थे, उन्हीं फूलों से वो मंदिर को, मूर्ति को सजाता था। वही चीज़ लिखा है, ही डेकोरेटेड द इमेज, वो इमेज को डेकोरेट करता था, मूर्ति को सजाता था विथ फ्लावर्स, फूलों से, विच ग्रीव वाइल्डली इन द बैकयार्ड ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के पीछे के भाग में उगाए थे। अब मंदिर को सजा दिया, अब आगे क्या होता है देखिए। ही एक्टेड, वो कार्य करता था, व्यवहार करता था, एज द प्रीस्ट, एक पुजारी की तरह, एक पुजारी के रूप में, यानी कि नाम्बी जो था वो एक पुजारी की तरह एक्ट करता था, प्रतिक्रिया करता था, कार्य करता था, एंड ऑफर्ड टू द गॉडेस, और गॉडेस यानी देवी को चढ़ाता था। ऑफर का मतलब प्रदान करना, यानी कि चढ़ाना, तो देवी को चढ़ाता था। क्या चढ़ाता था? फ्रूट्स, फल चढ़ाता था, एंड फ्लावर्स, और फूल चढ़ाता था, यानी फल फूल चढ़ाता था, ब्रॉट, जो कि लाए जाते थे इन, अंदर यानी मंदिर में लाए जाते थे, बाय द विलेजर्स, गांव के द्वारा, यानी मंदिर में गांव के लोगों के द्वारा जो फल फूल लाए जाते थे उनको नाम्बी मूर्ति पर, यानी कि जो माता देवी गॉडेस की मूर्ति होती थी उसके समक्ष चढ़ाता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक प्रीस्ट यानी पुजारी की तरह कार्य करता था। फिर आगे देखिए, ऑन द नाइट्स, रात में, यानी कि जब जब लोग आते थे, तो इसलिए नाइट्स का उल्लेख किया है यहाँ पर, लिखा है नाइट्स मतलब रातों में,
तो वही चीज़ है। ऑन द नाइट्स, रात में, ही हैड ए स्टोरी, उसके पास एक स्टोरी होती थी, एक कहानी होती थी। किसके पास? नामी के पास। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। नामी के पास एक कहानी होती थी टू टेल, बताने के लिए। ही लिट ए स्मॉल लैम्प, वह एक छोटा सा लैम्प जलाता था। एंड प्लेस्ड इट, और इसे रख देता था। इन ए नीचे, नीचे का मतलब होता है एक प्रकार का ताक, ताक आपके पुराने घरों में ताखा बना होता, ताखा जिसमें ढिबरी वगैरह, लालटेन वगैरह रखा जाता था, तो उस टाइप का जो होता है उसे ताक बोलते हैं, यानी नीचे बोलते हैं। तो वो एक छोटा सा लैंप जलाता था, यानी जब उसको कहानी सुनानी होती थी, वही लिखा। ऑन द नाइट्स ही हैड ए स्टोरी टू टेल, रात में जब उसको कहानी सुनानी होती थी। ही लिट ए स्मॉल लैंप, वो एक छोटा सा लैंप जलाता था। एंड और प्लेस्ड इट, इसको रख देता था। इन नीचे, एक ताक में, इन द ट्रंक, तने के, ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के, यानी बरगद के पेड़ की एक शाखा थी, एक ट्रंक मतलब तना या शाखा, बरगद का पेड़ था, उसी में एक छोटा सा ताक बना हुआ था पेड़ में, और उसी ताक में वो लैंप को रख देता था और फिर कहानी सुनाने लगता था। द विलेजर्स, गांव के लोग, एज दे रिटर्न होम, जब वो घर लौटते थे, इन द इवनिंग, शाम को, यानी जब वो काम करके, मतलब भाई पुरुष जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो खेतों में काम करेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई कुछ भी काम करेगा, कोई दुकानों पर काम करेगा, तो जब लोग काम करके शाम को अपने घरों पर लौटते थे, उस समय की बात हो रही। द विलेजर्स, गांव के लोग, एज दे रिटर्न होम, जब वे घर को लौटते थे, इन द इवनिंग, शाम को, सॉ दिस, इसे देखते थे, यानी इस चीज़ को देखते थे, घर से, घर को लौटते समय वो देखते थे कि नामी लालटेन जला रहा है, या दीपक जला रहा है, लैंप जला रहा है, कुछ भी। वेंट होम, वो तुरंत घर जाते थे। एंड सेड टू दियर वाइफ्स, और अपनी पत्नियों से कहते थे, नाउ नाउ हरी अप, अब जल्दी करो, विद द डिनर, खाना, यानी कि रात का खाना यानी डिनर है, उसको जल्दी खाओ पियो। द स्टोरी टेलर इज़ कॉलिंग अस, कहानीकार हमको बुला रहा है, यानी हम लोग को बुला रहा है। तो इतना आपको समझ में आया कि जब गांव के लोग जो होते थे, जो पुरुष होते थे, जब वो काम करते वक्त लौटते थे और मंदिर की तरफ देखते थे, तो मंदिर की तरफ वो लैंप जला रहा होता है, तो जल्दी से वो अपने घर जाते थे और अपनी पत्नी से कहते थे, जल्दी जल्दी खाना पीना खाओ, डिनर कर लो, जो स्टोरी टेलर है, यानी कि जो नामी है, वो हम लोग को बुला रहा है। ओके, एज द मून क्रेप्ट अप बिहाइंड, एज द मून क्रेप्ट अप, जैसे जैसे चंद्रमा क्रेप्ट अप, ऊपर रेंगता है, यानी ऊपर चढ़ता है, बिहाइंड द हिलॉक, पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के पीछे, जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रात होती है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर्ड अंडर द बनियान ट्री, जैसे जैसे रात होती है, आदमी, औरत और बच्चे बनियान ट्री के नीचे गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। द स्टोरी टेलर वुड नॉट अपेयर इट, स्टोरी टेलर अभी नहीं आता, यानी जो कहानीकार होता है वो अभी नहीं आता, यानी कि सभी लोग आ चुके हैं और स्टोरी टेलर अभी नहीं आया है। ही वुड बी सिटिंग इन द सैंक्टम, वो मंदिर में बैठा होगा। सैंक्टम का मतलब होता है जो अंदर का प्रांगण होता है, मंदिर, वही आप कह लीजिए। वो मंदिर में बैठा होगा, बिफोर द गॉडेस, देवी के सामने, यानी देवी शक्ति के सामने, क्योंकि जो गॉडेस थी उनका नाम क्या था, शक्ति, माता शक्ति, जैसे आज हम माता लक्ष्मी कहते हैं, वैसे उसमें जब नाम भी था तो देवी शक्ति नाम था। तो ही वुड बी सिटिंग इन द सैंक्टम बिफोर द गॉडेस, गॉडेस के सामने वो मंदिर में बैठा होगा, विद हिज आइज सट, अपनी आँखों को बंद किए हुए, इन द डीप मेडिटेशन, और क्या कर रहा होगा, डीप मेडिटेशन यानी कि गहरा ध्यान लगाया होगा, गहरे ध्यान में बैठा होगा, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद करके एकदम बैठा होगा, यानी कि ध्यान मग्न जो भी कर रहा होगा उसमें, तो ध्यान में बैठा होगा, मेडिटेशन का मतलब होता है वही ध्यान की मुद्रा, यानी वो अभी नहीं आया है और बैठा हुआ है वहीं। ही सैट दस, वो इसी प्रकार बैठा रहता, एज लॉन्ग, उतनी देर तक, एज ही लाइक, जितना वो पसंद करता है,
यानी जब तक उसका मन करता तब तक वो ऐसे ही बैठा रहता ध्यान की मुद्रा में। एंड व्हेन ही केम आउट, और जब वो बाहर आता यानी जब वो मंदिर से बाहर आता, विद हिज फॉरहेड, तो उसके माथे पर एब्लेस एक झलक रहती। एब्लेस का मतलब होता है जलना, यानी उसका माथा, यहाँ एब्लेस का मतलब होता है जलना, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं एब्लेस का मतलब चमक रहा था, यानी विद हिज फॉरहेड उसका माथा एब्लेस चमक रहा था, विद एस एंड वर्मिलन भभूत से, एस का मतलब होता है भभूत या आप जिसको कहते हैं राख, राख और वर्मिलन का मतलब होता है सिंदूर, यानी अपने माथे पर अपने फॉरहेड पर, ध्यान से समझिए, अपने माथे यानी फॉरहेड पर एस राख वर्मिलन सिंदूर, राख और सिंदूर लगाए रहता था जिससे उसका माथा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा है, वहाँ पर दीपक जल रहा है। एब्लेस का मतलब होता है दीपक जलना या किसी चीज़ का जलना। तो जब वो बाहर निकलता था तो उसके माथे पर राख और सिंदूर लगा होता था और वो जलता हुआ प्रतीत होता था। फिर है, ही टूक हिज सीट ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म, ही टूक हिज सीट, वो अपनी सीट लेता था यानी अपना स्थान लेता था ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म, एक पत्थर के चबूतरे पर, यानी पत्थर का एक चबूतरा था उस पर वो बैठता था। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने वो बैठता था। ही ओपन द स्टोरी, वो कहानी की शुरुआत करता है विद ए क्वेश्चन, एक प्रश्न के साथ। अब बैठ गया, सभी लोग गांव वाले बैठे, अब कहानी की शुरुआत करता है एक प्रश्न के साथ। ही ओपन द स्टोरी विद ए क्वेश्चन, क्या कहता है, जर्किंग हिज फिंगर, अपनी उंगलियों को जर्किंग करते, जर्किंग का मतलब एक किसी की तरफ इशारा करना झटके से उंगली की तरफ, ऐसे जैसा आप इशारा नहीं करते हैं उंगली से, तो ऐसे ही जर्किंग हिज फिंगर टुवर्ड्स अ वेग, यानी कि अपनी फिंगर से इशारा करते हुए टुवर्ड्स की ओर, अ वेग एक अस्पष्ट, फार अवे दूर, डेस्टिनेशन स्थान की ओर, यानी एक अस्पष्ट, वेग का मतलब जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, फार अवे का मतलब दूर, डेस्टिनेशन का मतलब होता है स्थान या कोई गंतव्य स्थान आपका लक्ष्य, यानी कि एक स्थान की ओर जो कि अस्पष्ट है, उसके बारे में कुछ पता नहीं किसी को और वो बहुत दूर है, उसकी तरफ अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए ही आस्केड, वो क्वेश्चन पूछता है, नाम भी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, 1000 years ago, हजारों साल पहले, 1000 years ago, हजारों साल पहले, आ स्टोन्स थ्रो इन दैट डायरेक्शन, इस दिशा में एक पत्थर फेंका गया था, ऐसे मतलब कहानी बता रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब ये कौन कह रहा है, नाम भी कह रहा है, नाम भी कहता है 1000 years ago, हजारों साल पहले, आ स्टोन्स थ्रो इन दैट डायरेक्शन, एक पत्थर इस दिशा में फेंका गया था। What do you think there was? क्या तुम सोचते हो कि वो अभी वहीं होगा, मतलब गांव वाले से पूछता है, पहले तो कहता है कि हजारों साल पहले उस डायरेक्शन में, उस दिशा में एक, यानी उंगली दिखाते हुए कहता है कि उस दिशा में एक पत्थर फेंका गया था, क्या तुम लोग को लगता है कि वो पत्थर अभी भी वहीं पर होगा। इट वॉज नॉट द वीड कवर्ड वेस्ट, फिर कहता है इट वॉज नॉट, ये नहीं था, द वीड कवर्ड वेस्ट, घास से ढका हुआ कचरा, वेस्ट का मतलब कचरा और वीड कवर्ड मतलब घास से ढका हुआ, नाम भी समझाते हुए कहता है गाँव के लोगों को कि ये कोई घास से ढका हुआ कचरा नहीं था, इट इज़ नाउ, जो अब है, यानी अब चूँकि उस पर घास उगाई है उस स्टोन की आसपास, तो वो कह रहा है कि ये घास से ढका हुआ कचरा नहीं था जो कि अब है, फॉर डंकीज टू रोल इन, और डंकीज इस पर लोटते हैं, रोल करते हैं, रोल मतलब लोटते पोटते हैं पत्थर पर। तो उसने कहा कि ये घास से ढका हुआ कचरा नहीं था जो पहले, जो अब हो गया है और जिस पर अब डंकी गधे लोटते हैं। इट वॉज नॉट द एस्पिट, ये कोई राख का गड्ढा भी नहीं था, एस्पिट का मतलब राख का गड्ढा, इट इज़ नाउ, जो कि अब है,
कहता है कि ये कोई राख का गड्ढा भी नहीं था जो कि अब है। फिर क्या था? अब वो कहता है, नामी बताता है गाँव वालों को, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द किंग, ये राजा की राजधानी हुआ करता था। यानी उस डेस्टिनेशन, मैंने यहाँ बताया ना, उस डेस्टिनेशन, उस स्थान की ओर उंगली इशारा करते हुए कहता है कि वो राजा की राजधानी हुआ करता था। द किंग वुड बी दशरथ, अब बता रहा है कि राजा हो सकता है कि दशरथ रहे हों वहाँ पर, विक्रमादित्य या विक्रमादित्य रहे हों, अशोक अशोक रहे हों, और एनीवन या कोई और, दैट केम इन टू द ओल्ड मैन सेड, जो कोई भी उस वृद्ध आदमी के दिमाग में आता था उसका नाम बता देता था। मतलब नाम भी चूँकि बूढ़ा हो रहा था धीरे धीरे, तो उसके दिमाग में जिसका भी नाम आता था, अशोक दशरथ विक्रमादित्य एनीवन, दैट केम इन टू द ओल्ड मैन सेड, जो कोई भी उसके दिमाग में आता था नाम, उसी का बता देता था कि उसकी राजधानी हुआ करती थी। द कैपिटल वॉज कॉल्ड कपिला, और वो जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? कपिला। किरणापुरा या किरणापुरा और एनीथिंग या कुछ और, मतलब बता देता था ऐसे, जिस राजा का नाम याद है उस राजा का नाम बता दे, या जिस जगह का नाम याद है, चाहे कपिला का नाम आए, किरणापुरा का नाम याद आए, तो उसको बता देता था कि वो राजधानी हुआ करती थी। ऐसे वो कहानी की शुरुआत करता था। फिर क्या होता था? ओपनिंग दस, इस प्रकार से शुरुआत करके, यानी एक क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे शुरुआत करके, द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी वृद्ध आदमी, वेंट ऑन, जारी रहता था, विदाउट ए पॉज, बिना रुके हुए, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक। यानी कि जब वो कहानी की ऐसे शुरुआत कर देता था, उसके बाद 3 घंटे तक ऐसे बोलता रहता था बिना रुके हुए। फिर क्या कहता था आगे? बाय देन उसके बाद, ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब होता है ईंट से ईंट, द पैलेस, महल ऑफ द किंग वॉज रेज्ड, यानी किंग का जो पैलेस था, किंग का जो महल था, वो रेज्ड होता है, बनता है, उठता है। ब्रिक बाय ब्रिक का मतलब होता है ईंट से ईंट, यानी ईंट से ईंट वो जोड़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कहानी को चढ़ाता चला जाता है, बनाता चला जाता है। तो बताता है वो कि कैसे ईंट से ईंट से जुड़ करके राजा का महल बना था। द ओल्ड मैन डिस्क्राइब द डेजलिंग दरबार, फिर क्या वर्णन करता है? अब तो महल का वर्णन कर दिया, अब क्या वर्णन करता है? द ओल्ड मैन डिस्क्राइब, वृद्ध आदमी वर्णन करता है द डेजलिंग दरबार हॉल। डेजलिंग दरबार हॉल का मतलब चमकता हुआ दरबार, यानी कि वो जो राजा का दरबार हॉल होता था, कैसे वो उसमें भव्य, डेजलिंग का मतलब होता है भव्य, चमकता हुआ, शानदार। दरबार हॉल का मतलब जहाँ पर राजा बैठता था, तो उस भव्य चमकते हुए दरबार हॉल का वर्णन करता है। वेयर सैट, जहाँ बैठे होते थे, 100 वेसल किंग्स, 100 जमींदार, यानी कि 100 जमींदार, सॉरी जमींदार नहीं, मैं गलत बोल गया, जागीरदार। वेसल किंग्स का मतलब होता है जागीरदार, जमींदार भी कह सकते हैं, तो दोनों लगभग सेम ही हैं। तो वहाँ पर राजा के सामने उस दरबार में 100 जमींदार या जागीरदार बैठे होते थे, और कौन होता था? मिनिस्टर्स बैठे होते थे, एंड सब्जेक्ट्स, और प्रजा भी होती थी जो राजा के सामने अपना शिकायत लेकर आती थी। इन अनदर पार्ट ऑफ द पैलेस, महल के दूसरे पार्ट में, यानी दूसरे भाग में, ऑल द म्यूजिशियंस, सभी संगीतज्ञ इन द वर्ल्ड, संसार के सभी संगीतज्ञ आए होते थे, असेंबल्ड का मतलब इकट्ठे होते थे, एंड सैंग, और गाते थे। अब ये कौन बता रहा है? नाम भी कि एक राज हुआ करता था, वहाँ पर एक शासक था, उसकी राजधानी ये थी, दरबार भव्य था, वहाँ पर बहुत सारे लोग, जागीरदार, मंत्री आते थे, और बहुत सारे संगीतक आते थे। ऐसे पूरी कहानी वो सुना रहा है। फिर क्या कहता है? हाँ, एंड और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, बहुत सारे गीत यानी बहुत सारे गाने
वरसंग गाए जाते थे ओवर अगेन दोबारा बाय नाम्बी के द्वारा। बहुत सारे गाने तो नाम्बी गाकर भी सुना देता था टू हिज ऑडियंस, अपनी दर्शक को, यानी जो गांव वाले सामने बैठे होते थे नाम्बी के सामने। तो जब नाम्बी कहानी सुनाता था कि उस समय राजा के दरबार में बहुत सारे संगीतक गाते थे, गाना गाते थे, तो कुछ गाने ऐसे होते थे जो नाम्बी खुद गा करके सुना देता था कि ये गाना उस समय गाया था ऐसे। एंड ही डिस्क्राइब्ड, और वो वर्णन करता था इन डिटेल, डिटेल में यानी विस्तृत रूप से चर्चा करता था द पिक्चर्स, पिक्चर्स का मतलब जो उसमें पिक्चर्स लगे होते थे, पिक्चर्स का मतलब इमेज, एंड ट्रॉफीज़, और ट्रॉफी यानी कि जो ट्रॉफी होती थी, ट्रॉफी आप सभी लोग जानते हैं, दैट हंग, जो टंगे होते थे ऑन द वॉल्स, दीवारों पर ऑफ द पैलेस, महल के, यानी कि नाम्बी उन ट्रॉफी और पिक्चरों के बारे में भी वर्णन करता है जो उस समय के राजा के दरबार में दीवारों पर टंगे होते थे। तो आई होप ये आपका जो है 20 मिनट के लगभग आपका वीडियो हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ और आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे यानी नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, स्टोरी कैसी है, और मेरे ख्याल से बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी समझने में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, या फिर जो भी है आपकी शिकायत है तो उसको भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।